आईफोन 13, क्या आपको 2024 में आईफोन 13 जैसा फ़ोन लेना चाहिए, क्योंकि आप में इसमें आपको डिज़ाइन में सारे डिज़ाइन सिमिलर मिलेगा जैसे ट्रेडिशनल डिज़ाइन आ रहा है। साइलेंट बटन मिल जाएगा जो कि नॉर्मल है, और iOS 18 का भी अपडेट मिल सकता है इसमें। इसमें आपको लेना चाहिए या नहीं 2024 में, आज की इस वीडियो में ज़रूर देखेंगे। 12 मेगापिक्सल के आपको दो कैमरा सेटअप मिल जाते हैं, एक अल्ट्रा वाइड है और एक मेन कैमरा है। मेन कैमरा से आप वही सिनेमैटिक वगैरह स्लोमो ले सकते हो, और अल्ट्रा वाइड से अल्ट्रा वाइड इमेजेस और वीडियोस शूट कर सकते हो। बट जो कि बात है रियलिटी की, कैमरा सेटअप नो डाउट बहुत ज़्यादा अमेजिंग फोटोज लेता है। अगर आप इंस्टाग्राम पे कोई इमेजेस वगैरह सेंड करना चाहते हैं, अपलोड करना चाहते हैं, तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग फ़ोटोज़ वहाँ पर नज़र आएंगे और लाइक वगैरह सब बढ़िया आएंगे। लेकिन यहीं पर हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको कैमरे में कोई दिक्कत आती है तो ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग फ़ोटोशूट वगैरह आराम से कर सकते हो आप। बट आपको अगर 2024 में आईफोन 13 लेना है जो कि 40-50 के सेगमेंट में मिल जाता है आपको, तो मेरे हिसाब को आपको आगे स्विच करना चाहिए, आपको 14 तक ले जाना चाहिए या हो सके तो 15 तक रहना चाहिए, क्योंकि आपको जो कि कैमरा सेटअप वगैरह मिल रहा है वो सारी चीज़ें सही है, बढ़िया है। आईफोन 16 में आपको बस एक्शन बटन और कैप्चर बटन ही आया जो ज़्यादा है, अलग है, लेकिन ये चीज़ें आप नॉर्मली डे में यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि अगर इसमें iOS 18 का अपडेट भी आता है ना, तो इसमें आपको हार्डवेयर तो पुराना ही मिलेगा, जिससे ये बहुत ज़्यादा लैग करेगा और दिक्कतें आएंगी इसके अंदर। लेकिन हार्डवेयर पुराना है तो इस वजह से लैग आ रहा है, लेकिन फ़ोन तब भी बेटर है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसमें जैसे हम वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से वॉलपेपर चेंज हो गया। इसमें आपको 6.1 इंचेस की XDR डिस्प्ले मिल जाती है, अगर आप सनलाइट में भी यूज़ करते हैं तो आपको कोई ज़्यादा बिग इशू नहीं आता है, प्रॉपर सारी चीज़ें नज़र आती हैं, और इसमें आपको निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगेगा। तो अगर आप सनलाइट में भी यूज़ करते हैं इस फ़ोन को तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आईफोन 13 ये दिखने में थोड़ा सा मोटा है, इसकी जो बैटरी लाइफ है 3240 mAh की बैटरी है, इतनी तो J2 में आ जाती थी, जो कि आपको ज़रा सा भी चलाने में मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि एक दिन में आपको दोबार चार्ज करना पड़े, एक दिन में दो बार चार्ज करना पड़े तो बेकार है। और चार्जिंग पिन भी इसमें लाइटनिंग लग जाती है जो कि आपको बार चार्ज करनी पड़ती है। एक रियल लाइफ बता रहा हूँ, जब हम लाइटनिंग केबल लगाते हैं ना तो कई बार ऐसा होता है कि चलते चलते अपना आप बंद हो जाती है, लाइक आपका 20% चार्ज हो गया फ़ोन, तब भी एकदम से वो बंद हो जाती है और पता चलता है कि वो चार्ज नहीं हुआ, जबकि चार्जिंग पे भी लगा हुआ है। और बहुत ज़्यादा स्लो चार्जिंग होती है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है इसकी। और 6-7 घंटे इसकी बैटरी लाइफ चल पाती है, जो कि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहती है डे टू डे लाइफ में। तो अब बात आ जाती है 2024 में आपको आईफोन 13 लेना चाहिए या नहीं, क्योंकि आपको इस प्राइस पॉइंट पे मिलता है 48,900 के प्राइस पॉइंट पे मिलता है, और आपको आईफोन 15 मिल जाता है 65 के सेगमेंट में। तो आपको मेरे हिसाब से आईफोन 15 लेना चाहिए, जिसमें आपको सारी चीज़ें बढ़िया मिल जाएंगी, कैमरा क्वालिटी से लेके आपको कैमरा सेटअप भी बढ़िया मिलेगा, iOS 18 भी मिल जाएगा, लेकिन उसमें हार्डवेयर भी इस टाइप का होगा कि iOS 18 के सिस्टम्स को और AI फीचर को हैंडल कर सके, ज़्यादा लैग नहीं मिलेगा। तो आपको अगर 15,000 और है आपके पास तो आईफोन 15 पे जा सकते हैं आप। मेरे हिसाब से अभी ये नहीं लेना चाहिए आपको 2024 में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय।